नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आ रही है, जहां पर देवास नाका में फाइबर की टंकी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। वहीं पास की एक चॉकलेट फैक्ट्री को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। आपको बता दें कि आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। वहीं आग लगने के दौरान फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे, वहीं सभी मजदूरों को कुशलतापूर्वक निकाल लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ ही 25 से अधिक टैंकर भी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आग पर अभी तक काबू पाया नहीं गया है। आग पर लगातार काबू पाने का प्रयास जारी है। ये खबर आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर देवास नाके के पास दो फैक्ट्रियों में आग लग गई है। वहीं आग लगने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। आग लगने से फैक्ट्री का लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। वहीं आग लगने के दौरान फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हें कुशलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर इंदौर से सामने आ रही है, जहां पर देवास नाका में फाइबर की टंकी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर के देवास नाका के पास दो फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई है। वहीं आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। जिस समय फैक्ट्री में आग लगी, उस समय फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे, वहीं मजदूरों को कुशलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है, साथ ही 12 से ज्यादा पानी के टैंकर भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। बता दें कि इंदौर में दो फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई है। वहीं आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देवास नाका पर दो फैक्ट्रियों में आग लग गई है। एक फैक्ट्री फाइबर की टंकी बनाने वाली है, तो दूसरी फैक्ट्री चॉकलेट फैक्ट्री बताई जा रही है। दोनों फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई है। वहीं आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। और इसी के साथ, इसी खबर के लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित। अंकित, क्या है पूरे मामले की जानकारी? दो फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई है। जी, मैं आपको पूरा मामला बताना चाहूंगा कि ये मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लसूड़िया मोरी का है, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर दो फैक्ट्रियों में सुबह 8 बजे आग लग चुकी थी। आग की सूचना लगते ही यहां पर दमकल कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास जब से जारी कर रहे हैं। 4 घंटे हो चुके हैं अभी तक इस घटना को, और यहाँ पे 30 से ज्यादा टैंकर आग बुझाने के लिए आ चुके हैं, और लगातार आग बुझाने के लिए पानी के टैंकरों को बुलाया जा रहा आएगा। नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम दोनों ही यहां पर प्रयासरत है आग को बुझाने के लिए। आग अपनी नजदीक की फैक्ट्री की को भी अपनी चपेट में ले चुकी हैगी, और दमकल कर्मचारियों के द्वारा आसपास की जितनी भी फैक्ट्रियां उन सभी को खाली करवा लिया गया हैगा, और इस पूरे मजमे को देखने के लिए यहां पे काफी भीड़ लग चुकी है। मैं अपने साथ में नगर निगम के दमकल कर्मचारी हैंगे, मैं आपसे उनसे अधिक जानकारी के लिए उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। सर, ये आग जो है कब लगी थी और कब आपको इसकी जानकारी मिली थी? ये आग सुबह 8:30-9 बजे के आसपास लगी थी।
और जैसे ही हमें जानकारी मिली तत्काल पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और नगर निगम के पानी के लारियां तत्काल रवाना करा गया और आग लगभग काबू कर ली गई है और ये धुआं निकल रहा है सिर्फ अब तो आग लगभग काबू हो चुकी है। ये किस चीज की फैक्ट्री है, ये यहाँ पर किस का कार्य किया जाता था? लगी थी उसमें प्लास्टिक का काम होता था और उसके साथ ही लगी हुई फैक्ट्री थी जिसमें चॉकलेट का और उड़न का ये काम होते थे, तो चूंकि प्लास्टिक था इसलिए आग ज़्यादा फैली और उसने लगी हुई फैक्ट्री भी प्लास्टिक की थी उड़न की थी तो उसने अपनी आग को चपेट में ले लिया। साथ भी हवा भी उसी साइड की चल रही थी इसलिए आग ने इन फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। अगर बात की जाए यहाँ पर अगर कितने पानी के टैंकर अभी तक इसमें उपयोग हो चुके हैं इस आग को काबू पाने के लिए? अभी तक लगभग 10 तो फायर ब्रिगेड लगी हुई हैं और 30 से 32 टैंकर नगर निगम के पानी की लारियां उपयोग में आ चुकी हैं। अगर बात की जाए इस आग के दौरान कोई घायल हुआ है या किसी की मृत्यु या किसी कोई दुर्घटना जैसी कोई बात सामने आ रही है क्या? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कोई घायल हुआ है या कोई मृत्यु हुई है। सेफ्टी के तौर पर हमने एम्बुलेंस वगैरह सभी बुलवा ली थी बट अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं मिली है कि कोई घायल हुआ है या किसी की डेथ हुई है इसमें। जैसा कि आपने जाना है कि आग एक विकराल रूप ले चुकी है, आग ने अपनी चपेट में एक पड़ोस के गोडाउन को भी अपनी चपेट में ले चुका है। एक शख्स और हमारे साथ इस पूरी घटना में अभी तक आपने देखा होगा कि 30 से ज्यादा टैंकर इस आग को बुझाने के लिए उपयोग में लाए जा चुके हैं, साथ ही अभी भी आग बुझाने का जो काम हैगा वो निरंतर जारी हैगा। आप दृश्यों में देख रहे होंगे कि जो टैंकर लगातार इस आग को बुझाने के लिए यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की संयुक्त कार्रवाई इसको आग पे काबू पाने के लिए कार्य कर रही है। दृश्यों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी से बोलूंगा कि ये जो काला धुआं जो पूरा आसमान में फैल रहा है वो आपको नजर आ रहा होगा और साथ ही नीचे जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां खड़ी है वो लगातार कोशिश कर रही है आग बुझाने की। जी, मैं मेरे सहयोगी को बोलना चाहूंगा कि पीछे जो लोग यहाँ पर इस आग का जो दृश्य है उसको देखने आए हैं, साथ ही पुलिस और प्रशासन भी इस आग को काबू पाने के लिए और लोगों को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैगा। सुबह 8 बजे से ही इस आग की सूचना जब से फायर ब्रिगेड को जब से मिली है, जब से ही फायर ब्रिगेड और नगर निगम का फायर डिपार्टमेंट इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। प्लास्टिक में आग लगने की वजह से ये काफी समय लग रहा है। यहाँ पे अधिकारियों का कहना है कि जो हवा जो चल रही है उस हवा के कारण भी यहाँ पर आग पर काबू पाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। लगातार 30 से ज़्यादा टैंकरों का इसमें अभी तक उपयोग किया जा चुका है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ आग लगी है उस आग के आसपास के जितने भी गोडाउन है उन्हें एहतियात के तौर पर अभी खाली करवा लिया गया है और एक पास में ही एक रहवासी क्षेत्र भी हैगा जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, उन लोगों को भी एहतियात के तौर पर उनके मकान पूरे खाली करवा लिए गए होंगे। जी पंकज, आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है, वहीं मैं जानना चाहूंगी कि जिस समय फैक्ट्री में आग लगी उस समय कितने मजदूर फैक्ट्री में मौजूद थे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आग के समय लगी थी तो उस समय ज्यादा मजदूर वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो भी उस समय की जो संख्या रही होगी उन्हें सुरक्षित आग के स्थान से दूर ले जाया गया था और आग पर काबू पाने का काम जब से ही निरंतर जारी हैगा। जी, आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात बताया जा रहा है, किसकी लापरवाही से आग लगी है? आग लगने और आग के पीछे लगने की जो लापरवाही है अभी नगर निगम और फायर ब्रिगेड दोनों ही अभी सिर्फ और सिर्फ आग पर आग किन कारणों से लगी है ये सब एक बाद में जांच का विषय है। अधिकारियों ने भी अभी जो बात करी उनका भी स्पष्ट कहना है कि पहली प्रायोरिटी हमारी आग पर काबू पाना है, ना ही कोई जनहानि हो और आसपास में ये आग ज्यादा फैले नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी आग पर काबू पाना है। आग किन कारणों से लगी है उन कारणों को बाद में देखा जाएगा, वो सब एक अलग जांच का विषय रहेगा। जी मैडम,
जी अंकित, इसी के साथ इसके ज्यादा अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो खबर आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से बता रहे थे, जहां पर देवास नाका में फाइबर की टंकी और चॉकलेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। वहीं आग लगने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। बता दें कि आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।